कमी को रिवर्स में मिसी ही जा सफर। तो आई होप कि आप लोग ठीक होंगे और मैं भी आपकी दुआओं से बहुत अच्छी हूँ। और आज जो मैं शेयर करने वाली हूँ वो हेयर स्टाइल है गर्मियों के हिसाब से। और वैसे भी आगे ईद है तो आप आराम से हेयर स्टाइल कर सकते हैं। जिनके लंबे बाल है छोटे बाल है उनका भी मैं आपको तरीका बताऊँगी। और ये है कि ईद है आगे और कर्ल्स और आयरन तो हमारा रुकेगा नहीं, क्योंकि कर्ल्स करोगे तो वो पूरा बाल पसीने से स्वेटिंग से वो कर्ल्स खुल जाएंगे। और अगर आयरन करोगे तो उसका भी यही इशू होगा। तो आज मैं आपको जो हेयर स्टाइल बताऊंगी वो इजी से आप हर एक ड्रेस पे कर सकते हैं। तो पहले मैं आपको बताती हूँ हेयर स्टाइल के साथ साथ बातें होंगी और बहुत सारी बातें होंगी और मैं आपको हर एक चीज़ बताती भी जाऊँगी हेयर स्टाइल के बारे में कि कौन कौन से ड्रेस पे वो सूट करता है और कहाँ कहाँ वो आप बना के और इजी से जा सकते हैं। गर्मी बहुत ज़्यादा है, अपना बहुत ज़्यादा ध्यान रखें। और हेयर स्टाइल मैं आपसे शेयर करती हूँ तो चलती है। तो जी मैं बालों पे कॉम कर चुकी हूँ और आप देख रहे हैं कि मैंने पीछे वाले बालों को पीछे कैचर लगा दिया और आगे मैंने कर दिया है ट्विस्ट। और आगे से मैंने एक लट निकाल ली है जो फेस के लिए बहुत अच्छी लगेगी। और इसको थोड़ा सा मैंने उठा दिया है और इसको मैं उठा इस वजह से रही हूँ क्योंकि आपके फेस पे सूट करे। और बिल्कुल अगर बिल्कुल प्रेस कर दोगे तो वो आपका स्विस्ट जो होगा वो नहीं स्विस्ट लगेगा। और इसको मैंने पीछे बालों पे पिन लगा रही हूँ जैसे कि आप देख रहे हैं। और पिन जो है हमेशा नीचे की तरफ लगानी है ना कि ऊपर की तरफ लगानी है। इस लट को मैंने निकाल दिया है और ये वाले बालों को मैं पकड़ के पीछे करूँगी और इसको भी ट्विस्ट करके हल्का सा इसको हल्का सा उठा दूँगी ताकि थोड़ी सी उठा हुआ हमारा लगे बैकमिंग के साथ। क्योंकि बिल्कुल जो हम मैसी लुक दे रहे हैं उस पर आपका बिल्कुल हेयर स्टाइल जो है बिल्कुल स्कैल्प के साथ नहीं होना चाहिए। और यहाँ पे भी आप देख रहे हो मैंने बालों पे कर ली है कॉम और हल्की सी बैकमिंग कर दी है ताकि हल्का सा पुफ जो है मेरा उठा हुआ लगे। और साइड पे जी मैंने बाल कर ली हैं और ये वाले बालों पे मैं लगा रही हूँ पिन और ताकि ये उठे हुए ना लगे। और आप देख रहे हो कि जो मैंने स्विस्ट वाले बालों पे मैंने वो पिन लगाई थी वो बालों के अंदर लगवाई थी और ट्विस्ट जो है वो मैंने कर लिया था। और यहाँ पे मैंने बाल निकाले हैं दोनों साइडों से और दो सिर्फ मैंने चुटिया की हो और एक तरफ से उस तरफ से मैं ले रही हूँ एक इस तरफ से ले रही हूँ। और ये हमारी चुटिया जो बन रही है वो फिश डे बन रही है और आप आराम से इजी से कर सकते हो ये हेयर स्टाइल। जैसे कि आप देख रहे हैं कि एक मैं बल उस तरफ से ले रही एक बल मैं उस तरफ से ले रही हूँ तो आप इजी से कर सकते हो। और एक एक बल लेके आप इसको बिल्कुल टाइट करेंगे और आप देख रहे हैं बहुत खूबसूरत सी चुटिया आ रही है और बहुत अच्छी सी आ रही है चुटिया आप देख रहे हैं। और इसी तरह हम यूँ इसको करते जाएंगे। और माशाल्लाह से अगर किसी का बाल छोटा है या बहुत लंबा बाल है तो उस पर भी ये चल सकती है। आप जैसे जैसे इसको करोगे और आप देख रहे जितना इसको टाइट करोगे उतनी ही अच्छी लगेगी और ये बहुत प्यारा लुक सा आता है। आप ईद पे कर रहे हो या किसी की दावत है या माइयों मेहंदी पे भी ये हेयर स्टाइल बहुत अच्छा लगता है। इवन के आप किसी भी फंक्शन पे ये कर सकते हो। जैसे कि आप देख रहे हो पूरी चुटिया मैंने टाइट की और नीचे के बालों को मैंने छोड़ दिया है। इस पे मैं लगाऊंगी रबड़ बैंड और आप देख रहे हैं कि जैसे पूरी चुटिया को मैंने बिल्कुल टाइट किया है और नीचे के बालों को मैंने छोड़ दिया है। इसको भी हम बाद में कवर करेंगे और क्योंकि इतने से बाल बहुत बुरे लगते हैं इसको हम चुटिया के साथ ही कवर कर लेंगे। और आप चुटिया देख रहे हो ये फिश डे चुटिया है जो मैंने आपसे शेयर की है। इवन के ये हर ड्रेस पे अच्छी लगेगी जैसे कि आप देख रहे हैं। अब इसको मैं ऊपर से थोड़ा सा लूज करूँगी और पहले से एक एक साइड से हम इसको लूज करते जाएंगे। जैसे कि आप देख रहे हो जितनी आप फिश डे चुटिया को टाइट करके लूज़ करोगे उतना ही मैसी लुक आएगा। जैसे कि आप देख रहे हैं ऊपर वाले बालों को भी आप लूज़ करोगे ताकि पूरी
इक्वल एक मैसी लुक लगे। और पूरा ये मैंने फिश डे को खोल दिया है, पूरा ये मैसी लुक लग रहा है जैसे कि आप देख रहे हैं। इसी तरह आप लूज करते हुए जाएंगे और इस पे आप इवन के बीट्स भी लगा सकते हो, फ्लावर भी लगा सकते हो लाइन से। और ये है कि आप देख रहे हैं पूरी मैंने आपके सामने की है और दोनों लटे मैंने निकाल लिए ताकि फेस पे अच्छी लगे। और ये जो ट्विस्ट किया था ये भी देखे बिल्कुल क्लियर आया हुआ है। अगर इसको थोड़ा सा लूज़ करना है तो आप कर ले ताकि फेस अच्छा और क्यूट सा लगे आपका। और ये ट्विस्ट जो मैंने आपके सामने की है, चुटिया जो आपके सामने की है, ये आप घर पर किसी दावत पर या वलीमे पर या शादी पर माइयों मेहंदी पर आप ये यूज़ कर सकते हैं। इस पर बीड्स लगा सकते हो, फ्लावर लगा सकते हो जैसे कि आप देख रहे हो। सॉरी मेरा गला फट गया, बहुत वो लग रहा है। और लाइक और शेयर और बेल के बटन को प्रेस कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि कैसा लगा हेयर स्टाइल के लिए। इवन के आप जितना इसको मैसी लुक दोगे उतना आपके ड्रेस पे बहुत अच्छा लगेगा। कोई भी आप ड्रेस पहन लो उस पर अच्छा लगेगा। इवन के शादी भी आप भी आप ये कर सकते हो, माइयों मेहंदी पे भी कर सकते हो, वलीमे पे भी कर सकते हो। ये हेयर स्टाइल इसमें बीड्स फ्लावर लग सकते हैं। इसके अलावा भी और बहुत सारे हेयर स्टाइल मैं आप लोगों से शेयर करूँगी जो ईद पे आप आराम से कर सकते हो। और आइलाइनर करने की और कर्ल्स करने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि इस पे ही आपका जो भी ड्रेस होगा वह चलेगा। चाहे कि वो लॉन्ग शर्ट है, कोई कुर्ता पहना हुआ है या फ्रॉक पहनी हुई है या मैक्सी पहनी हुई है तो उसके साथ से ये चल जाएगा। तो आज का जो वीडियो होगा मुझे प्लीज़ लाइक और शेयर में ज़रूर बताइएगा और मैसेज पे भी ज़रूर बताइएगा। और आस्था में आपके ईद के हिसाब से बहुत सारे आपसे वो जो हेयर स्टाइल जो शेयर करूँगी, बाकी सब मैंने आपके सामने बनाया है। बाकी लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। ओके, लव यू।